तो हे गाइस, अगर आपको भी अपने स्नैक अकाउंट में अगर आपको पासवर्ड को अगर आपको सेट करना है या फिर अगर आपको पासवर्ड को चेंज करना है, यानी अगर आपने पहले से कोई पासवर्ड बना रखे और अगर आपको वो याद नहीं है, अगर आप भूल चुके हैं, तो आप कैसे पासवर्ड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एक न्यू पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड बनाने के दो फायदे हैं। एक तो यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट जो स्नैक आईडी है, अगर आप किसी दूसरे फोन में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरे फोन में अपना अकाउंट यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर यानी कि सिम अगर आपका कहीं भी खो जाता है, तब भी यहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड को डालकर। तो यहाँ पर गाइस, स्नैक वीडियो में पासवर्ड को सेट करने के लिए या फिर पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल में आना है इस तरीके से। उससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड को चेंज करने के लिए या फिर पासवर्ड को सेट करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर गाइस आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। जिस फोन नंबर से आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है, वो फोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको अपना फोन नंबर याद नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है और यहाँ से आप अपना फोन नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंट के लिए यहाँ पर आपका फोन नंबर यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर गाइस आपके फोन नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और शुरू के जो 2 डिजिट है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। इससे यहाँ पर गाइस आप पता कर सकते हैं कि कौन सा फोन नंबर यहाँ पर लिंक है। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपके पास ये फोन नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले लॉगआउट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपने अकाउंट को लॉगआउट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। अब यहाँ पर आपको साइनअप करने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने फोन नंबर से लॉगिन किया था अपने अकाउंट को। इसके अलावा यहाँ पर गाइस, अगर आपका स्नैक वीडियो का जो अकाउंट है, अगर आपने यहाँ पे फेसबुक से या फिर जीमेल आईडी से अगर आपने लॉगिन किया था शुरू में, तो यहाँ पर गाइस आपका जो पासवर्ड फेसबुक और या फिर जीमेल आईडी का जो पासवर्ड रहता है, वही पासवर्ड आपका यहाँ पर रहता है। जब आप अपने फोन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट को, तब यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं या फिर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको फोन नंबर वाले पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना होगा, जिस नंबर से यहाँ पर आपका अकाउंट है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं फोन नंबर को एंटर कर लेता हूँ। फोन नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आप अपने अकाउंट को दो तरीके से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आपके फोन नंबर पर एक कोड गया होगा और उस कोड को यहाँ पर आपको डालना है, या फिर यहाँ पर आप पासवर्ड को डालकर भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉगिन विद पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपको अपना पासवर्ड अगर आपको सेट करना है फर्स्ट टाइम, या फिर अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको फॉरगेट योर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस पासवर्ड को सेट करने के लिए या फिर पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड आपको डालना होगा। अब यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद अब आपको नीचे एक वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, जो आपके फ़ोन नंबर पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको उससे पहले सेंड वाले पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपके फोन नंबर पे एक कोड जाएगा, जिसको यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कोड आ चुका है, चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कोड को डालने के बाद अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर गाइस आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक बार अपने अकाउंट का पासवर्ड बना लेंगे इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे फोन में अगर आप लॉगिन भी करना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर गाइस आप बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, कोई भी ओटीपी यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर आपका फ़ोन नंबर खो भी जाता है, तब भी कोई बात नहीं, आप अपने अकाउंट को वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस जब आप साइनअप करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करना है फ़ोन नंबर वाला। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, जिस नंबर से आपका अकाउंट है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। वैसे यहाँ पर गाइस आपको कोई भी ओटीपी नहीं चाहिए अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, यहाँ पर हम पासवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से फ़ोन नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन विद पासवर्ड वाला सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा, स्नैक आईडी का जो पासवर्ड आपने बनाया था वही वाला पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप सिर्फ पासवर्ड को डालकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं।